राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक पाउच है और इसमें यहाँ पर बहुत सारे बीड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम रक्षाबंधन स्पेशल बच्चों को राखी बनाना सिखाएंगे आज। तो फ्रेंड्स, आप घर पर भी इस तरह के पाउचेस लाकर बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि बच्चे स्कूल में अच्छे से बना सके राखी और प्राइज पा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ कि इस पाउच में क्या क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह के ये धागे निकले हैं, एक कलावा टाइप का है और दूसरा पटारा टाइप का है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस तरह के इसमें लीफ्स बीड्स हैं और यहाँ पर 5 से 6 टाइप के यहाँ पर इस तरह से ये वाले बटन टाइप के हमारे बीड्स निकले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ढेर सारे मोती हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, उन सबको मैं यहाँ पर आपको अलग अलग करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, जितना टाइम में मैं इन बीड्स को अलग अलग कर लेती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैंने इन सबको अलग अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये हमारा 1.25 मीटर जो है, ये दोनों धागे हैं। और यहाँ पर ये रेड वाले बीड्स हैं, ये 38 बीड्स थे। और ये 29 ये वाले बीड्स हैं। और यहाँ पर 25 के करीब गोल्डन वाले बीड्स हैं, 3 ये वाले बीड्स हैं, 20 ये मोती हैं। और इस तरह से हमने सारा मटेरियल यहाँ पर सामने रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि सबसे पहले देखिए, आपको वायर लीजिए और वायर के अंदर से पतले पतले तार निकलते हैं। इनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बीड्स के अंदर डालने के लिए, क्योंकि जो हमारी पटार होती है या कलावा होता है, आसानी से बीड्स के अंदर जाता नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम ले लेंगे यहाँ पर, और इनके अंदर ये हमारे पर्ल्स स्टोन्स होते हैं, ये सब आसानी से चले जाते हैं। और अब हम यहाँ पर राखी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक रेड और एक जो हमारा वाइट वाले बीड्स थे, इनको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वाइट वाले बीड्स थे, ये ब्रेसलेट में जो आते हैं जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ था ना चौकोर से, उस तरह के बीड्स थे। और यहाँ पर बीच में मैंने ये पेंडेंट था जो, ये डाल दिया है। और यहाँ पर इस तरह से फिर से रेड और वाइट बीड्स लगाते हुए हम यहाँ पर इसमें डाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर देखें, इनको एक साइड में करेंगे और इन जो बीड्स की दोनों साइड में हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे ताकि हमारे जो बीड्स हैं निकले ना। और इस तरह से हमने एक राखी यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम दूसरी राखी बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखें, फिर से जो हमारी वायर की स्ट्रिप थी उसको हमने यहाँ पर लगा लिया है। और फिर से यहाँ पर हमने शुरुआत में ही जो नॉट थी वो लगा ली है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ये लीव्स निकली थी इसमें से, इनको हम यहाँ पर डालेंगे। तो एक मैंने गोल्डन, एक वाइट, और उसके बाद में हमने ये जो लीव्स थी इनको लगा लिया है। और इस तरह से हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये गोल्डन लीव्स थी इसमें, और इनको डालने के बाद में मैंने यहाँ पर जो वाइट बटन था इसको डाल लिया है। और फिर से एक जो लास्ट में रह गई थी लीव्स, उसको भी मैंने यहाँ पर डाल लिया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हम इधर की साइड में भी नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर भी नॉट लगा दी है। और इस तरह से ये हमारी जो राखी है ब्रेसलेट टाइप की, ये भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स, जो हमारे पास कलावा था उसमें से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने कलावे को मैंने डबल कर लिया है और इसके बीच में मैंने यहाँ पर ये जो हमारी वायर थी इसको डाल लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए, वाइट वाले जो चौकोर मोती थे इनको मैंने यहाँ पर लिया है और इसके बीचों बीच मैंने यहाँ पर डालकर और यहाँ पर इसमें नॉट लगा दी है। अब फ्रेंड्स, हमारे दूसरी साइड में ये दो धागे हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर एक धागा में वायर डाला है और उसको मैंने यहाँ पर देखिए, ये रेड और फिर से वाइट और फिर से रेड और फिर से वाइट, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें एक धागे में बीड्स डाल लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से डालने के बाद में मैं अब जो दूसरी साइड वाला धागा है उसमें मैं यहाँ पर वायर को डालूँगी। और अब यहाँ पर जो हमारा रेड वाला बीड्स है उसको डालूंगी और जो हमारा वाइट वाला बीड्स था, इसी वाले वायर जो धागा है उसको लेकर मैं उसके अंदर से निकाल लूंगी। तो यहाँ पर देखिए,
इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। एक वाइट वाला बीच में आ गया है मोती हमारा, और जो दो रेड वाले थे वो दोनों धागे में दो आ जाएंगे, और फिर से वाइट वाले में से निकालते हुए इस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से तैयार होगा। और फ्रेंड्स अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें पेंडेंट्स था जो हमारा उसको डालेंगे। तो दोनों धागे में हमको एक साथ वायर को लेना है, और इस वाले पेंडेंट को जो बटन टाइप का है इसको हमने डाल लिया है, और फिर से हमने जैसे मोती डाले थे फिर से उसी तरह से हम डाल लेंगे एक वाइट वाला, और फिर से दोनों धागों को अलग करते हुए हम यहाँ पर रेड वाले मोती डालेंगे, और हमारी राखी बनकर तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स हम अपने पास से ये पटार ले रहे हैं ब्लैक वाली, और इसमें मैं यहाँ पर ब्रेसलेट बनाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल पटार ले ली है, ये मैंने यहाँ पर टोटल 20 इंच ली थी, और अब हम यहाँ पर जो ये वाइट वाले बीड्स थे इनको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10 बीड्स मैं यहाँ पर लूँगी, और इनको इस तरह से मैं इसके अंदर डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास ये डबल पटार है जिसके अंदर हम इन बीड्स को डाल रहे हैं, और अब हम यहाँ पर एक फिर से डबल पटार लेंगे, और वो भी इतनी ही बड़ी लेंथ में लेंगे हम, और उसको देखिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से नॉट लगा देंगे इसमें। और अब आप इसको या तो टेप से चिपका दीजिए, या फिर आप किसी हैवी चीज़ से इसको आप रख दीजिए इसके ऊपर, ताकि एक जगह रुकी रहे। ये इस तरह से पकड़ते हुए हम यहाँ पर इन दोनों सिरों को अलग अलग कर लेते हैं, और अब यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ से हम इस तरह से एक बीड्स को हमने ऊपर कर रखा था, और दोनों साइड से इस तरह से पटार को हमने निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बीड्स कवर हो गया है। फिर से हम यहाँ पर दूसरा बीड्स लेंगे, और इसी प्रोसेस से हम फिर से यहाँ पर पटार को डाल देंगे, और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। और इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर चार जो बीड्स हैं उनको इस तरह से डालेंगे, और पटार को इस तरह से अंदर की तरफ से लेते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। और अब हमारे ये चार बीड्स हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखिए दोनों पटार में दोनों साइड में हमने ये वायर डाल ली है, और एक एक हमने यहाँ पर बीड्स डाल लिया है, और फिर से हम एक मोती को नीचे करेंगे, और यहाँ पर उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर जो हमारी पटार थी उसको लेते हुए हम इस तरह से कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगला बीड्स डालेंगे, और फिर से हम यहाँ पर इसको इसी तरह से करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारे बीच में है ये हमारे जो डिज़ाइन बन जाएगा एक अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया है, और अब यहाँ पर हम इन वायर को निकाल देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर यही बीड्स डालने थे एक्स्ट्रा इसमें। और इन पटार को हम जैसे हमने ऊपर वाले बीड्स डाले थे उसी तरह से हम यहाँ पर लेकर इसको पूरा कवर कर लेंगे, और लास्ट में जो हमारी जो पटार बचेगी उसको हम नॉट्स लगा देंगे उस पर, ताकि वो निकले ना। और ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया है, और अब हम यहाँ पर अगली राखी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फिर से हमने अलग से धागा लिया है, और उसके अंदर वायर डाल ली है, और अब हमारे पास जो इस तरह के इसमें बीड्स निकले थे उनमें, और एक ये पर्ल हमने बीच में डाल लिया है। अब फिर से हम इसमें दो पर्ल डाल रहे हैं, और एक हमने यहाँ पर ये पेंडेंट डाल लिया है, और फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड में डाल रहे हैं ये बीड्स। और इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पर ये राखी हमारी रेडी हो जाएगी, और दोनों साइड में हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारी राखी बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, राखी कैसी लगी, ब्रेसलेट कैसा लगा? अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।